थ्री एकड़ एग्रीकल्चर लैंड प्लस स्टार एकोमोडेशन इन जस्ट जीपीपी 1 लाख वन लैख फाइव थाउजेंड पाउंड एस्टिमेटेड वन करोड़ फाइव लाख रुपीज इन यूनाइटेड किंगडम जिन लोगों को यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक फार्म हाउस बनाने का शौक है कि हम यूनाइटेड किंगडम में छह महीने हर साल वहां रह पाए उनके लिए एक अच्छा मौका है इन्वेस्ट विद यूनाइटेड फार्मिंग इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड रिजॉर्ट्स अबाउट द प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट 400 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक है मिनिमम 400 हंड्रेड एकड़ है और मैक्सिमम 1000 थाउजेंड एकड़ तक इसको एकस एक्सपेंड किया जा सकता है यूनाइटेड फार्मिंग और यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री और चोगा हेल्थ रिजॉर्ट जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है मोस्टली देखते हैं कि जब हम कोई फार्म हाउस बनाते हैं तो उस फार्म हाउस का हमारा मकसद होता है उस फार्म हाउस के अंदर हम आठ दस लोगों का स्टाफ चाहिए तीन एकड़ के अंदर मैनेज करने के लिए कम से कम तीन चार लोग तो इंडिया के अंदर स्टाफ रखे जाते हैं कहने का मतलब यह है कि जब कोई हम फार्म हाउस बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खर्चे का एक सौदा बनता है उसको मैनेज करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इनकम नहीं दे पाता लेकिन यूनाइटेड फार्मिंग के थ्रू जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस फॉर्म के अंदर कम से कम एक एकड़ के अंदर पांच लाख रुपए एक, एक एकड़ के अंदर पांच हजार पाउंड आप अर्न कर सकते हैं यानी तीन एकड़ के अंदर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं उसका एक प्लान है एक एकड़ के अंदर पांच लाख रुपए निकालने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मिंग करनी पड़ेगी उस प्रोड्यूस की फार्मिंग करनी पड़ेगी जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हो और साथ साथ फसल को बोक कर फसल काट के फसल बेचने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलता उसके बाई प्रोडक्ट बनाने के बाद अच्छी तरह से मार्केट करने के बाद कम से कम दस लाख रुपए यानी कि दस हजार पाउंड एकड़ का अगर प्रॉफिट होता है तभी आपको पांच हजार पाउंड पांच लाख रुपए का प्रॉफिट दिया जा सकता है अगर इंडिविजुअल लेवल के अंदर आप तीन एकड़ का फॉर्म बनाते हैं तो इंपॉसिबल है कि आप इतना प्रॉफिट निकाल पाए लेकिन यूनाइटेड फार्मिंग के थ्रू और यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री के थ्रू आपको कम से कम जो प्रॉफिट मिलता है करीब पांच लाख रुपया हर साल प्रॉफिट मिलता है यानी कि पांच हजार पाउंड तीन एकड़ के अंदर आप पंद्रह हजार पाउंड आप ले सकते हैं और आपको अपनी तीन एकड़ की लैंड के ऊपर अगर फार्म हाउस बनाते हैं तो आप उसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरह से यूज नहीं कर पाते हैं उतना प्रॉफिट आपका नहीं निकलता है आपका जो रेजिडेंशियल का अरेंजमेंट है कि एक स्टार लेवल का होटल फाइव स्टार हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि फाइव स्टार के अंदर नॉन वेजिटेरियन और शराब का सेवन किया जाएगा लेकिन जोगा हेल्थ रिजॉर्ट में ये सारी चीजों का सेवन नहीं किया जा सकता आपको शराब और नॉन वेजिटेरियन नहीं परोसा जा सकता योगा टाइप के अच्छे सेंटर में लेकिन इन सारी चीजों को अगर माइनस किया जाए तो सारा जो स्टैंडर्ड होगा वो फाइव स्टार होटल के अकॉर्डिंग ही उसका स्टैंडर्ड होगा क्या आपका लिविंग एरिया है अच्छी अकोमोडेशन आपको मिल रही है अच्छे रेस्टोरेंट आपको मिल रहा है अच्छा मेडिटेशन हॉल आपको मिल रहा है वो सारी ही फैसिलिटी एक स्टार लेवल की फैसिलिटी मैनेज की जा सकती है और यूनाइटेड होने के बाद आप जो फैसिलिटी ले सकते हैं इंडिविजुअल लेवल में वो फैसिलिटी आप इंपॉसिबल है लेना 400 एकड़ लैंड का कल्टीवेशन करना उस प्रोडक्ट बनाने के बाद मैनेज करना ये सारा रिस्पांसिबिलिटी यूनाइटेड फार्मिंग की और यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री की है और जो का हेल्थ रिजॉर्ट का उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन से लेके मैनेजमेंट लेवल तक आपको बेटर फैसिलिटी देना वो जो का हेल्थ रिजॉर्ट का मैनेजमेंट है एस्टिमेटेड आपकी जो अर्निंग हर साल होती है लगभग पंद्रह हजार पाउंड पर ईयर आपको अर्निंग होती है और इंडियन रुपीज के हिसाब से आप देखते हैं कि लगभग पंद्रह लाख रुपए हर साल आपको बचता है टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको करीब 15 परसेंट के करीब इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को आप ले सकते हैं जहां आप 24 वीक 24 वीक का मतलब छह महीने आप योग हेल्थ रिजॉर्ट में आप रह सकते हैं फोर पर्सन चार लोग वहां आपका रहना आपका ब्रेकफास्ट आपका लंच आपका डिनर आपका इवनिंग टी आपका रात का मिल्क टोटल फ्रीडम के साथ जैसे आप घर में रहते हैं उसी तरह से बिना कोई और एडिशनल पेमेंट दिए हुए आप छह महीने ट्वेंटी फोर वीक रह सकते हैं वहां पर और सब जितने भी आपको नौकर चाकर जो आपको बहुत हैवी पेट दे के अपना फॉर्म बनाने के बाद आपको मिलते हैं उससे बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ आप वहां पे इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को जीवन के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिसको सीखा जा सकता है और ऐसे कल्पना जिसको आप करते हैं कि अच्छे लिविंग के अंदर शांति के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अंदर की आपकी जो दुनिया है अध्यात्म की दुनिया है उसको आराम से जिया जा सकता है और आपको ना नौकरी छोड़ने की जरूरत है ना अपना बिजनेस छोड़ना की जरूरत है शांति से उस जमीन को खरीदने के बाद उसको मैनेज किया जा सकता है और उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है जो जो 24 वीक आपको मिल रहे हैं उस 24 वीक को में से आप गिफ्ट कर सकते हैं स्टे ना करने के बाद मालिया खुद अब स्टे करना चाहते हैं और कुछ वीक आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड को आप गिफ्ट करना चाहते हैं उसको आप गिफ्ट भी कर सकते हो और साथ में एज ए पार्ट और फुल आप अर्निंग में ले सकते हैं आप सोचते कि वहां बिल्कुल रहना ही नहीं है आपको हर साल पंद्रह हजार पाउंड का प्रॉफिट आपको मिल सकता है और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ वीक आपने रहा है बाकी जो वीक है अगर आप टोटल 50% परसेंट सेव करते हैं और 50% परसेंट करते हैं तो 50% परसेंट आप अर्न कर रहे हैं ऑलमोस्ट पंद्रह हजार के अंदर आपको 24 वीक मिलते हैं उसे एवरेज जो भी आप अर्निंग होती है आप अर्न कर सकते कहने का मतलब है कि आप अपने जो वीक है उसको आप सेल कर सकते हैं और वो जो अर्निंग पंद्रह हजार पाउंड है आपकी वो अर्निंग आपकी बनी रह सकती है आप रहना चाहें उसको यूज कर सकते हैं अदरवाइज इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को और जहां अगर नहीं करते हैं तो आप पंद्रह हजार पाउंड ले रहे हैं और आपको ग्रंटेड प्रॉफिट पंद्रह हजार पाउंड का आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है सिक्योरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जिस्टर्ड इन योर नेम तीन एकड़ जो जमीन आप खरीदेंगे वो आपके नाम से रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगी कंपनी को आप लॉन्ग एग्रीमेंट में कल्टीवेशन के लिए देंगे कि ये प्रॉफिट आपको टोटल प्रॉफिट का ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट के करीब प्रॉफिट मिलेगा और वो एस्टिमेटेड करीब टोटल प्रॉफिट मिलना चाहिए कम से कम लगभग पांच लाख रुपए का प्रॉफिट हर साल मिलना चाहिए करीब फाइव हंड्रेड पाउंड पर एकड़ के हिसाब से लेकिन लैंड का जो रजिस्ट्रेशन होगा आपके नाम से क्योंकि ये सेफ्टी बहुत जरूरी है कि लैंड कंपनी के नाम से हमने सोचा था रजिस्टर्ड करने के लिए लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर से डिस्कस करने का कि लैंड शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन है उनके नाम से लैंड रजिस्टर्ड होगी जैसे इंडिया में रजिस्टर्ड होती है जैसे दूसरी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड होती है वैसे ही यूके गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनका रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पे प्रॉपर आपके नाम से रजिस्टर्ड होगी क्योंकि यूके के अंदर कोई भी फार्मर को एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी फ्लैट के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो सकती है और जैसे आपको बताया कि जो आपकी लैंड का जो कल्टीवेशन होगा यूनाइटेड फार्मिंग के थ्रू होगा और बाई प्रोडक्ट होंगे जो यूनाइटेड फूड इंडस्ट्रीज बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री एंड मार्केट जो करेगी यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री करेगी और आपको लाइफ मेंबरशिप मिलेगी जो का हेल्थ रिजॉर्ट की और साथ में आपको टेन ईयर का टूरिस्ट वीजा मिलेगा एट ए वन टाइम एट ए टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट दस साल का आपको वीजा मिलेगा और यूके गवर्नमेंट साल का वीजा वीजा देती है है और उस वीजा की जितनी भी कॉस्ट कॉस्ट आपको एडिशनल नहीं देनी है सिर्फ आपने आपको पासपोर्ट अपना देना है लेकिन एक आदमी का वीजा के लिए दस साल का वीजा लगेगा बाकी जो आपने फैमिली मेंबर के वो वीजा आप अपनी कॉस्ट में लगाएंगे ओनली वन पर्सन इज मेन पर्सन के नाम से भी अगर कोई यूनाइटेड युनाइ, कोई लैंड लेता हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं लेकिन दो को नहीं मिलेगा एक जो मेन पर्सन है उसको एक को कंपनी अपनी कॉस्ट के ऊपर दस साल का वीजा देगी और आप वहां पे हर साल वहां जा सकते हैं और कोई भी आज टूरिस्ट वीजा पे छह महीने के अंदर वहां पे रह सकता है इसका मतलब आपको टिकट लेके वहां जाना है और वहां रहना है और वहां रह सकते हैं तो अपने फार्म हाउस के अंदर हम इस तरह से नहीं कहते सबसे पहले आप नौकर चक्र रखिए वहां डॉग रखिए उसकी रखवाली करने के लिए और तीन एकड़ जमीन खरीदने के बाद आप अच्छी अकोमोडेशन बनाने के लिए कम से कम तीन चार गुना कॉस्ट इंडिया के अंदर आती है यूके का तो आप बात छोड़ दीजिए तो वहां पे बहुत ज्यादा लेकिन यूनाइटेड होने के बाद आप अच्छी एग्रीकल्चर लैंड के आप मालिक बने हुए हैं एक इंडस्ट्री के अंदर आपका भी ए, है और साथ में यूनाइटेड फार्मिंग आपकी कल्टीवेशन कर रही है और योगा हेल्थ रिजॉर्ट की लाइफ मेंबरशिप है और एक करोड़ पांच लाख रुपए के अंदर यानी एक लाख पांच हजार पाउंड के अंदर इससे सस्ता मैनेज करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क और ये अच्छा मौका होता है कभी कभी इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे एक मौके मिलते हैं तो इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड पर्टिकुलर इन फार्म हाउस इन लंडन एंड एंजॉय होल ऑफ लाइफ कोई और जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड फार्मिंग ऑफिस है यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज लिमिटेड एस सी ओ थर्टीन सेक्टर फाइव पंचकुला वन थ्री फोर वन जीरो नाइन हरियाणा इंडिया कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है नाइन फाइव फोर डबल वन टू जीरो डबल वन थ्री हमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं invest in agricultural land in united kingdom and purchase agricultural land just 1 crore 5 lakh rupees 1 lakh 5000 pound only thank you very much